शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश। यू के है रसाल और के करन जा रही थी तू अपने बींद के लिए पागल उसके लौटने की बात करके मारे से और हवेली की सब लोगों से लड़ा करे थी कि थारे ठाकुर साहब वापस आ जावें और जब मन्ने थारे को यो बात का एहसास दिलायो कि सच्चाई को स्वीकार करके थारे को कठिन जीवन जीना पड़ेगा तो तन्ने छुटकारा पाने के लिए अपने आप को खत्म करने को फैसला ले लियो आपकी दोषी हूँ मासा ठाकुर साहब से मैं घड़ो प्रेम करूं और की बहुत को इल्जाम है मैं अपने से लेकर ना जी सकूं जाने तुम्हारे को जाने तुम्हारे को मासा तुम्हारे मन में थारे मर जाने की जरा सी भी बात होती ना रसा तो मैं थारे को बचाने अठे ना आती मानू मैंने थारे को बहुत भला बुरियो कहे पर कहीं ना के थारा भी मारा भी तो छोरो था उससे फोन पर झगड़ते सुनो था उसके बाद बारह रणबीर कभी ना आया तो मैं थारे से शिकायत ना करती तो किसे करती एक बींदड़ी को अपने बींद पर पूरा अधिकार हो गए है ना उसकी इसी अधिकार से मरने थारे से पूछियो तो बता थारे से ना पूछती तो किससे पूछती किससे शिकायत करती मैं मानो बस एक बात भूल गई मैं मारा छोरा ज्यादा तारा भी है और तेरे को सच्चाई का एहसास दिलाने वास्ते कुछ ज्यादा ही बोल गई मैं और खुद को एक बार मारी जगह पर रख कर देख भगवान जी महाराज ना करे कल तेरी औलाद के साथ ऐसी अड़ाहुणी हो जावे कि तू तू क्या करेगी रसाल बता मैंने अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने थारे को बहुत भला बुरा कही है इसके लिए मैं थारे कमरे में गई और मैंने ये देखियो ये तो माता जी महाराज की कृपा है कि मैं सही वक्त पर पहुंच गई नहीं तो अनर्थ कर बैठती तू अरे मामले का ही किया ऐसा अच्छा चल मारे से गलती हो गई जो मैंने तारे को इतने अपशब्द कह दिए माफ कर दे मैंने मारो छोरो चलो क्या
अकेली पड़ गई आशा। मोहित तुम कब आए? क्या बात है, बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। तुम तो अपने पेरेंट्स से मिलने गए थे ना? हाँ मोमल, मैं गया था ताकि तुम्हारे भाई साहब के पिंडदान के दिन वो लोग आकर अपनी रिश्तेदारी निभाएं, मगर आज मैं उनसे सारे रिश्ते तोड़ आया। क्या? हाँ मोमल, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने उर्वशी को अपने मम्मी पापा के साथ बातें करते देख मैं हैरान हो गया। ऐसे रुपयों से भरा बैग आपको मिलता रहेगा। मैं आपको और आपके बेटे मोहित को इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना दूंगी। बस एक शर्त है, मोहित उस मूमल को छोड़ के मेरे पास आ जाए। देखा, इसे कहते हैं घर की लक्ष्मी। मारे छोरे का मैं मूमल से पीछा छुड़ा दूं तो तू मोहित से शादी करेगी ना? मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको और मोहित को पैसे की कमी कभी नहीं होने दूंगी। शादी के बाद मेरे करोड़ों की जायदाद आप लोगों के नाम। पर उर्वशी बेटी, तू प्यार तो करे है ना मोहित से? प्यार? मैं तो कॉलेज में ही मोहित से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो मूमल के साथ था, इसीलिए मैं अपने प्यार का इजहार तो कर ही नहीं पाई। फिर मैं US चली गई और बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन मोहित को नहीं भुला पाई। जब मैं लौटी तो पता चला कि मोहित ने मूमल से शादी भी कर ली। आप लोगों से अलग जाकर वो मूमल के साथ रह रहा था। उसकी माली हालत खराब थी। मैंने बिजनेस के बहाने मोहित को कांटेक्ट किया। मोहित तो ये इत्तेफाक समझता था, लेकिन कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। मोहित से मेरी पहली मीटिंग भी एक सोची समझी चाल थी। मैंने बिजनेस के बहाने बहुत ऐसे मौकों का इस्तेमाल किया जिससे मैं मोहित और मूमल के बीच एक रिफ्ट पैदा कर सकूं। अगर आप लोग साथ देंगे तो बहुत जल्द मूमल मोहित की जिंदगी से बाहर होगी। अरे बेटी, तू हमें सिर्फ इतना बता दे कि हमें करना क्या है। बेटा, तुम्हें मोहित से मिलवाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या करेंगे? जलाकर मार देंगे मेरी पत्नी को? उर्वशी, तुम जिस बिकाऊ प्यार की तलाश में US से यहां पे आई हो ना, वो मैं नहीं हूं। मैं अपनी पत्नी को जितना प्यार करता हूं ना, वो तुम प्यार के सौदागर क्या समझोगे? और आप लोगों को तो अपना जन्मदाता कहते हो, मुझे शर्म आती है कि चंद पैसों के लिए आप इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और आज से तुम्हारे दिए हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट को मैं ठोकर मारता हूं, और आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। और आप भी समझ ले कि आज से आपका बेटा आपके लिए मर चुका है। अरे मोहित, शर्म से मेरा सर नीचा हो गया मूमल कि मैं ऐसे मां बाप का बेटा हूं। मोहित प्लीज काम डाउन। हम क्या करेंगे मूमल, ये मैं नहीं जानता। आज तक मैं तुम्हें एक पल की भी खुशी नहीं दे पाया। इतनी बड़ी हवेली की बेटी को नाजों से रखने के बजाय मैं एक छोटे से मकान में भी ठीक से नहीं रख पाया। आई एम सॉरी मूमल, मैंने तुम्हें मुझसे प्यार करने की बहुत बड़ी सजा दी है। डोंट बी सिली मोहित,
तुमने प्यार की कीमत को ठोकर मार के मेरे प्यार का जो सम्मान किया है उसके बदले मैं तुम्हारे साथ दो वक्त की सूखी रोटी खाकर भी जी लूंगी। भाईसा के पिंडदान के बाद हम कहीं जाकर जी लेंगे जहां किसी को भी हमारे बारे में पता ना चले। ओके, मैं अभी से ही जाके घर वालों को बता देती हूँ कि हमें बिजनेस के लिए किसी और शहर जाना है। तुम्हें जाने कौन देगा? ताया सा, के समझ के रखा है तुम लोग ने मारे को? पहले हमारा भाई मेघ मारे को छोड़कर चला गया, फिर तारा भाई रणवीर मारे से नाराज होकर चला गया, और अब तू अपने ताहिसा से दूर जाने की सोच। पत्थर नहीं हूं मैं, पत्थर इस हार्ड मास के शरीर में भी एक दिल है। इस घर की इकलौती बेटी अपने ससुराल में जाकर इतना दुख उठाए और उसने अपने पिता समान ताहिसा को बताया तक नहीं। क्या गलती हो गई थी मारे से बेटा, बोल किस बात की सजा दे रही है तू मारे को? बोल बेटा, किस बात की सजा दे रही है तुम्हारे को? नहीं था ऐसा, आपसे कोई गलती नहीं हुई। मैंने मोहित से आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की, उसमें मेरी खुशी थी और हर हाल में खुश रहने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। मैं अपने प्यार को कमजोर नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए। तायसा, गलती मेरी है। एक आदमी का नसीब कहां तक खराब हो सकता है, उसकी मिसाल हूं मैं। मैं उस परिवार का बेटा हूं जो कभी बदल ही नहीं सकता। अब तू मारे परिवार का बेटा है और मारे परिवार से जुड़ने वाले टूट कर बिखर जाए, ऐसा ना हो सके। रणवीर ने जो कार्य चलाया था वो रुकना नहीं चाहिए। आज से तू रणवीर की कुर्सी संभालेगा। बेटा, ये तेरे तायसा की मेहरबानी नहीं, उनका आदेश है। क्या तू उनके आदेश को ठुकरा कर उनका अपमान करेगा? अगर तू रणवीर की कुर्सी संभालेगा तो सबसे ज्यादा खुशी मारे को होगी। मारे को, बोल बेटा। भज गोविंदम, भज गोविंदम। रुक्मी, भगवान से रणवीर के ठीक होने की दुआ मांग ली। अब कैसी है तबीयत रणवीर की? उनके घाव तो भर गए हैं गुरुजी, पर उन्हें होश का ही ना आ रही है। उसके सर पर गहरा वार किया गया है, इसलिए वो अस्थाई रूप से बेहोश है। उसको होश तो आएगा ही, मगर समय लग सकता है। गुरुजी, उनका होश में आना बहुत जरूरी है। जानता हूं, इसलिए तो मुझे चिंता हो रही है। अगर उसे जल्दी होश नहीं आया तो क्या करेंगे हम? रुक्मी, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि हमारा ये मठ एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता, गांव दरगांव जाते रहते हैं। जहां भगत आश्रय देते हैं वहां कुछ दिन बसकर लोगों की सेवा करते रहते हैं। हमारा इस स्थान से कूच करने का समय नजदीक आता जा रहा है और रणवीर को बेहोशी के हाल में साथ लेकर हम घूम नहीं सकते। हमें उसकी जिम्मेदारी किसी को सौंपनी होगी। पर गुरुजी, ये तो आप ही जानो हो कि इस हालत में किसी को सौंपना उनकी जान को खतरा हो सके। जानता हूं,
इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था तुमसे कि हमारी टोली का सदस्य वही बन सकता है जिसने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया, सांसारिक मोह माया से नाता तोड़ चुका हो। किंतु कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम्हें, तुमने कहा था कि तुमने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया है, मगर ऐसा लगता है कि गृहस्थ जीवन ने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है, अपने गृहस्थ जीवन में लौटकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, क्योंकि मन में गृहस्थ जीवन की चिंता रखकर ना तो प्रभु की सेवा में सफल हो सकती हो और ना ही सांसारिक जीवन में। शांति की खोज में ऐसे ना भागो जबकि मन में लगन की चिंता हो। मैं अपनी किसी जिम्मेदारी से भाग ना रही हूं गुरुजी, और ना ही हमारे को गृहस्थ जीवन से कोई लगाव है। शायद ही हमारी आखिरी परीक्षा की घड़ी हमारे सामने आ गई है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही मैं सारे बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की सेवा में ध्यान लगा पाऊंगी। बस आप हमारे को इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आशीर्वाद दे दो गुरु जी। वो अपने पूरे होशो हवास में अपने घर वापस लौट जाए, तभी हमारी परीक्षा पूरी हो पाएगी। अच्छा गोविंदा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि रणवीर को जल्दी होश आ जाए और तुम्हें भी सफलता मिले। भगवान ने सबके लिए अपनी मर्जी बना के रखी है, हमारे तुम्हारे चाहने से भी होगा वही जो उनकी मर्जी है। भज गोविंदा। ढोक दो पापा सर। जी तो रे बेटा, आज इतनी जल्दी उठ गए, कहीं जा रहे हो क्या? पापा सर, आज से रोज सुबह जल्दी उठा करूंगा और आपके साथ ऑफिस जाया करूंगा। तू हमारे साथ ऑफिस जाएगा? क्यों पापा सर, मैं आपके साथ ऑफिस ना आ सकूं? ना, ऐसी बात ना है। वो क्या है ना कि इतने बरस तुम्हारे साथ कभी ऑफिस नहीं गया, और जाता भी कैसे, थारी सुबह तो दोपहर के बाद शुरू होती है। ना पापा सर, आज से ऐसा ना होगा। मैं रोज सुबह जल्दी उठा करूंगा और आपके साथ ऑफिस जाया करूंगा। मारे को पता है कि जब से छोटा गया है, ऑफिस का और काम का पूरा बोझ आपके ऊपर आ गया, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ ऑफिस चलूंगा और आपका काम का बोझ हल्का कर दिया करूंगा। मैंने ये भी बताया कि जब तक रणवीर काम देख रही हो तो आपको काम की चिंता न थी। पापा साहब, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत ना है, मैं रणवीर का काम अच्छी तरह से संभाल लिया करूंगा। ना बेटा, ये संभव ना है। देख छोरा, मूमल और मोहित शादी के बाद कैसे कैसे हालात से गुजरे हैं, ये किसी को पता ना था, लेकिन अब मारे को पता चल गया है, और अब मूमल और मोहित अठे हमारे साथ ही रहेंगे। ये तो घना अच्छा काम किया पापा साहब ने। मूमल हमारी छोटी बहन, और वो उसके बीन के साथ अट्ठे रहेगी तो हम सबने बहुत खुशी होगी पापा साहब। पर पापा साहब, मैंने तो सोचा था कि रणवीर मोहम्मद और मोहित का ख्याल रख रहा होगा। रणवीर जरूर रखता अगर मोहम्मद ने उसे बताया होता तो। खैर बेटा, अब पुरानी बातों को खरीदने से क्या फायदा, इसलिए मैंने मोहित से कहा है कि वो आज के बाद रणवीर की कुर्सी संभाले। और बेटा, जो जो प्रोजेक्ट रणवीर हैंडल कर रहा था, आज के बाद मोहित करेगा, यहां तक के बिलासपुर वाला प्रोजेक्ट।